सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तो चालू है। ब्रिजेश! क्या ये? हाँ, मेरी एक भी शर्ट प्रेस क्यों नहीं है? क्या पहन कर जाऊंगा मैं काम पर? वो बात दिमाग से निकल गई, और जब धोबी आया था तब भी तूने याद नहीं दिलाया तो? अच्छा, मतलब बाहर के सारे काम मैं संभालूं, अब घर के काम भी मैं ही देखूंगा, यही चाहती हैं आप? क्या क्या बोल रहे हो तुम? अरे तो मैंने ब्रिजेश भैया को बोला था टेंडर जमा करने के लिए। रुक एक मिनट, ब्रिजेश भैया। छोटे, क्या हुआ? टेंडर के कागज जमा करने के लिए कहा था आपको। कचहरी से भी फोन आया था, आपने किया या नहीं? बिल्कुल दिमाग से निकल गया। दिमाग से निकल गया? अभी तुरंत जाइए और कागज जमा कीजिए। मैं जा रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ। जाइए। पापा? हाँ बेटा। क्या कोई काम धंधा नहीं है क्या आपके पास? हर वक्त टीवी रिमोट लेके बैठे रहते हैं टीवी के सामने। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरे बस करिए, पता है काम में आपका हाथ ढीला है, बस का नहीं है आपके कुछ। शुक्र बनाइए मैं हूँ इस घर में, वरना इस घर का पता नहीं क्या होता। अरे भाभी, नाश्ता मिलेगा कि नहीं? जी भैया, बस ले आई। भैया बस थोड़ा सा लेट हो गया। अभी आपको शादी करके आए, इस घर में कितना टाइम हुआ है? जी भैया 2 साल हो गए। और 2 साल में आपको सब्जी बूढ़ी बनानी नहीं आई? एक से एक निकम्मे भरे पड़े हैं इस घर में। अनिल, उठ जा बेटा। अनिल, अरे क्या कर रही हैं आप? अरे उठ भी जा। क्या कर रही हैं, पागल हो गई क्या? बेटा 10 बज गए, उठ जा। अरे उठ अनिल, मैं कहती हूँ उठ जा। क्या है माँ? अरे ये कोई टाइम है उठने का? पता है कितने बज रहे हैं? आंख लग गई थी मेरी। अरे वहाँ तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं। पापा बुला रहे? अरे हाँ, वो टेंडर ना। नहीं, दरअसल मैं ही भूल गया था। नहीं, मैं बस अभी भिजवा देता हूँ। नहीं, चिंता मत कीजिए, बस भिजवाई देता हूँ। हाँ हाँ पापा जी, आपने बुलाया था। नींद खुल गई आपकी? वो आंख लग गई थी पापा। हमने आपको वो पिपरिया पुल वाले टेंडर के पेपर्स जमा करने को कहे थे पापा, वो ध्यान से निकल गया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, कौन सी दुनिया में खोए रहते हो? इस जिंदगी में कुछ सोचना भी है, कुछ करना भी है कि दिमाग में भूसा भरा है तुम्हारा? पापा बच्चा है, मैं कर देता हूँ ना पापा, छोड़ दो इसको। तू कब तक इसके लिए काम करता रहेगा? मुझे तो लगता है इस लड़के को ना मैं आज तक कुछ सिखा पाया ना कुछ समझा पाया। आप मत डांटिए ना इसे, गलती हो जाती है कभी कभी। मैं दुश्मन नहीं हूँ इसका। दुश्मन नहीं है पर दोस्त भी कहाँ है, जब देखो तब डांटते रहते हो इसे आप। अनिल, बोलिए जी। मैं टेलीफोन विभाग से। आपके घर का टेलीफोन खराब है? टेलीफोन नहीं, हमने तो कोई शिकायत नहीं की थी जी। हमें भेजा गया, आप एक बार देख लीजिए ना।
अजी सुनती हो? हाँ जी। अपना टेलीफोन खराब हुआ है क्या? नहीं, सुबह तो मैंने कविता से बात की थी। ये तो बंद है। ठीक है, आइए एक बार देख लीजिए। जरा एक चाय भी लेकर आना। अपना टेलीफोन विभाग कितना अच्छा हो गया ना, बिना बुलाए आदमी भेज दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हमने तो शिकायत की नहीं थी। वो क्या है ना अंकल, ये लाइन है, मैंने काटी थी। ये लीजिए आपकी चाय। देख बेटा, अपने पापा की बात का इतना बुरा नहीं मानते। माँ मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो आप। अरे बाप रे, इतना गुस्सा क्यों बेटा? कभी भैया को तो नहीं डांटते? हमेशा मुझे डांटते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। अरे 25 साल का हो गया हूँ मैं, अभी भी बच्चों की तरह मुझे। हाँ मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैंने ही उनसे कहा था कि अब तू बड़ा हो गया है तो तुझे काम धंधे में शामिल कर ले। माँ मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ ना कोशिश। अब अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पे मुझे डांटते रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? वो पापा है ना तुम्हारे, उन्हें तुम्हारी फिकर है इसीलिए डांटते हैं। और अगर तू आज सीखेगा तो कल को इस घर को तू ही संभालेगा ना भैया के साथ मिलके। चल अब गुस्सा थूक दे और अंदर चल के नाश्ता कर। मुझे नहीं करना नाश्ता। देख खाने को मना नहीं करते। अरे मुझे नहीं करना नाश्ता। अरे सुन अनिल, अब जो हुआ उसे भूल जा। ये देखो मैंने कितने प्यार से तुम्हारे ब्रेकफास्ट बनाया। और तुम्हें कैसे पता मुझे भूख लगी है? मुझे सब पता चल जाता है। इसलिए एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। घर वाले तो बेवकूफ समझते हैं मुझे, तो पापा की नजरों में तो कोई औकात ही नहीं है मेरी। ऐसा नहीं है, हर गृहस्थी में छोटी मोटी कहा सुनी होती रहती है। पापा है तुम्हारे, वो उनकी बात का बुरा नहीं मानते। और तुम क्या कर सकते हो और कितने काबिल हो ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये लो। नहीं खाना प्लीज। थोड़ा सा खा लो। पृष्टि क्यों तुम बार बार नहीं खाना प्लीज? तुम ऐसे नहीं खाओगे ना? ये लो भाई, मुबारकबाद हो आप। बधाई हो ब्रजेश, है नेक काम हुआ ये। अब मुंह मीठा कर लो, असल काम तो ये है। लो भाई तुम भी करो। लेता हूँ, आप लीजिए, आप लीजिए। डायबिटीज। देखो भाई तुमने थोड़ी देर कर दी, पिछला चुनाव भी लड़ना चाहिए था। अरे नहीं नहीं भाई, देर वेर कुछ नहीं, हम तो बस इतना चाहते थे कि ये ब्रजेश पहले पूरा बिजनेस संभाल ले, फिर करेंगे विदाई की। फिर भी थोड़ा संभल के रहिएगा इस बार मैदान में, क्योंकि सुना है त्रिपाठी पूरा जोर लगा देगा। वो क्या,
उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। और हम डरते नहीं है किसी से। एक बार जो तय कर लिया सो तय कर लिया। नमस्ते गुप्ता अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पापा जी मुबारक हो। अरे थैंक यू बेटा। देखो भाई ब्रिजेश, अब बाबूजी को दे दो छुट्टी और तुम दोनों भाइयों को बिजनेस ऊंचाइयों पे लेके जाना है। हैं? भाइयों से याद आया कि अनिल कहाँ है? सुमन, अनिल को बुला। जी वो तो सुबह सुबह कहीं चले गए। सर, पड़ोसियों से पूछताछ की, किसी ने कुछ नहीं देखा। पांडे, दो हफ्ते पहले अशोक विहार में भी ऐसी कुछ वारदात हुई थी, लूट और हत्या की। वहां पर भी एक अकेले रहते बुजुर्ग जोड़े को ऐसे निशाना बनाया गया और फिर चोरी की गई। हाँ सर, दोनों केस में काफी समानताएं हैं। बाहर मिट्टी थी, उस पर बाइक के टायर के निशान थे और वो भी पहले जैसे। पांडे, ये काम मुझे किसी एक ही हत्यारे का लग रहा है। एक काम करो, आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो, चेक करो इस तरफ कोई आया था क्या 9 से 10 के बीच में बाइक पे। यस सर। ये जो कोई भी है इसे जल्द से जल्द हमें धरना होगा, इससे पहले कि ये किसी और को अपना निशाना बनाए। क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे, पता है सिस्टी, तुम्हारे साथ होता हूँ ना मैं जिंदगी के सब गम भूल जाता हूँ। इसलिए तो हूँ मैं तुम्हारे साथ। काश काश तुम हमेशा मेरे साथ रह पाते। ऐसा हो सकता है? अगर तुम अपने पति को छोड़ दो। क्या करूँ, भाग जाऊँ तुम्हारे साथ? हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि हम साथ रहें। तुम एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ना, तो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, उसका प्रताप मैं झेल नहीं सकती, डर लगता है मुझे। ये इस वक्त कौन है? कहीं तुम्हारा पति गणेश तो नहीं? वो इस वक्त नहीं। जाके देखो। गणेश आ गया। ये तो ऑफिस में होता है, यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम उसके पीछे जाके छुपो। जाओ। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो मैं किचन में थी। कौन आया था? कोई नहीं। प्लेट किसकी है? मेरी, मैं खा रही थी। तुमने तो सुबह नाश्ता कर लिया था ना? फिर से भूख लगी थी तो मैंने सोचा खाना क्या बनाऊं, यही सब खा लेती हूँ। अच्छा, क्या है सर? कौन है? क्या कर रहा है? ले। क्या हुआ? मिठाई खा। अरे किस खुशी में? तेरे पापा चुनाव लड़ रहे हैं इस खुशी में। क्या? हाँ। मुझे पता भी नहीं है। अरे आज ही तो तय हुआ है। अच्छा देख, अभी उनका मूड बहुत अच्छा है, वो खाना खा रहे हैं। तू चुपचाप उनके पास जा, उनके पैर छू और उनको बधाई दे। मैं नहीं जा रहा माँ। देख बेटा, मेरी बात समझ। तू उनसे जाके ये भी बोल कि पापा अब से हम पूरा मन लगाकर काम करेंगे।
देख बेटा, तू प्यार से बताएगा ना तो वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, चल आजा। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि हम साथ में। तुम एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ना, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। पापा मुबारक हो। आप विदाई लड़ने जा रहे हैं, हमें तो पूरा यकीन है आप ही जीतेंगे। देखते हैं। वो पापा, हम कुछ बात करना चाह रहे थे आपसे। कहो। वो अब आप विधायकी के प्रचार प्रसार में व्यस्त हो जाएंगे, तो हम सोच रहे थे कि बिजनेस में थोड़ा ध्यान दें। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन पापा, हम ठेकेदारी नहीं करना चाहते, मैं खुद का कुछ नया बिजनेस करना चाहता हूँ। तो क्या सोचा है? वो अगर आप मुझे 25 लाख रुपए दे दें, मैं जल्दी बिजनेस शुरू कर लूंगा। 25 लाख? कौन सा बिजनेस शुरू करने का सोचा है? अभी सोचा नहीं है, मतलब सोच रहा हूं। अभी तक ये सोचा नहीं है कि क्या करना है, और 25 लाख रुपए चाहिए तुम्हें। पहले लायक बन जाओ बेटा, फिर 25 तो क्या, 50 लाख रुपए दे दूंगा। तब तक अपने बड़े भाई के साथ ठेकेदारी का काम सीखो। अच्छा पापा, एक और बात करना चाह रहे थे। हाँ कहो। ये अब आप विधायकी के प्रचार करेंगे तो पुरानी गाड़ी पे जाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, तो आप विधायक वाली बड़ी गाड़ी ले लीजिए। और पुरानी गाड़ी? वो हम चला लेंगे। साइकिल चलाने की औकात नहीं है तुम्हारी, और गाड़ी मांगने आए हो हमसे? ये सपने देखना छोड़ दो, कुछ हाथ पैर मारो, वरना ये जो बाइक दी है ना, वो भी वापस ले लूंगा तुमसे। गाड़ी मांग गया है। अरे, हर पिता अपने बेटे से क्या चाहता है? कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, जिम्मेदार बने, घर की बागडोर संभाले। कैलाश भी अपने बेटे अनिल से यही चाहते थे कि वो उनके व्यापार में उनका हाथ बटाए, बड़े भाई ब्रिजेश के साथ मिलकर घर और घर वालों को संभाले, जिसके चलते वो उसके साथ थोड़ी सी सख्ती बरतते थे। अनिल को अपने पिता की सख्ती तो दिखाई देती थी, लेकिन उनका प्यार और उसके प्रति चिंता नहीं दिखाई देती थी। यही कारण था, यही वजह थी कि वो अपने घर वालों से दूर, बाहर यानी कि सृष्टि के करीब हो गया था। किसी ने सच ही कहा है कि अपने अपने होते हैं, अपराए पराए। क्या अनिल को सृष्टि की घनिष्ठता महंगी पड़ेगी? क्योंकि सृष्टि की जिंदगी में अनिल के अलावा गणेश भी था, वही गणेश जिसने 2 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। हाँ सृष्टि, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो मैसेज किया। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है तुम्हारी। कल मिले? कहाँ, घर पर? नहीं, आज हम बाल बाल बचे, कुछ दिन कहीं बाहर ही मिलते हैं, वरना गणेश को शक हो जाएगा। हाँ तो एक काम करते हैं, मॉल चलते हैं। हाँ ठीक है, मॉल में मिलते हैं। मैं भी कुछ घर के सामान का बहाना करके आ जाऊंगी, और अपनी शॉप नहीं छोड़ो जाने दो, उसके लिए तो गणेश पैसे नहीं देगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, कल चलते हैं ना मॉल। पहले तुम्हारी जरूरत की चीजें ले लेंगे, फिर तुम्हारे लिए शॉपिंग भी कर लेंगे। तुम कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो मेरा, मुझे पहले क्यों नहीं मिले? अब मिल गया हूं ना, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। लव यू। लव यू टू। बाय।
सच में वो बहुत अच्छा लग रहा था। पता है, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। इतनी सारी शॉपिंग बहुत दिन बाद की है मैंने। बहुत खुश हूँ मैं आज। तुमसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ। क्यों? अरे मुझे तो लगा था हम कभी तुम्हारे घर में मिल ही नहीं पाएंगे, पर आज जो तुमने खुशखबरी दी है ना कि गणेश 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए, दिल खुश हो गया मेरा। अब 2 दिन के लिए ये घर और मैं तुम्हारी। अच्छा, कब से चल रहा है वो मैम? से पूछा क्या? 6 महीने बीच में नहीं बोलना, उससे बात कर रहा हूं ना। है उसी चेहरे पे मरता ना तू, क्या बोलता है बिगाड़ दूं? बिगाड़ दूं? प्लीज 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 मेरी बात सुनिए। क्या करता है इससे? मैं जबान है मुंह में कि नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं? बोल ना। जाने दो उसे। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। चल छोड़ दे, तुझे भी छोड़ देता हूं और इसे भी छोड़ दे। चल मान ले मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया, तुम दोनों को आजादी दे दी, मेरा क्या फायदा हुआ? फायदा? अबे तुम दोनों को तुम्हारी आजादी दूंगा, कुछ फायदा मेरा भी तो होना चाहिए ना, कुछ तो कीमत होगी उस चीज की। क्या कीमत? क्या मैं कुछ समझा नहीं। 50 लाख। 50 लाख? मैं कहां से लाऊंगा 50 लाख? क्या नाम है तेरे बाप का? कैलाश कुमार। कैलाश कुमार? अबे वो तो विदाई के लड़ रहा ना इस बार, उसका बेटा तू? तू तो मोटी पार्टी है यार, 50 लाख तेरे लिए क्या है? तेरे लिए तो चिल्लर है बे 50 लाख। हैं? 50 लाख लाओ, लेके जा इसको। चल छोड़, क्या करूं बता अब? गला काट दूं इसका। मैं करता हूं कुछ। क्या? मैं करता हूं कुछ, आप मेरी बात सुनिए। मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं कुछ इंतजाम। अच्छा मंजूर है, मतलब जा 50 लाख लेके आ और ये अपनी अमानत को लेके जा। चल निकल, मैं करता हूं कुछ। ले और सुन, ज्यादा देर मत करना, ये जो बेवफा है ना इसको अपने पास ज्यादा दिन तक रख नहीं पाऊंगा मैं। चल निकल निकल निकल। क्या क्या? और कोई रास्ता नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ये आप है इसलिए तो हम लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, पैसे वैसे की कोई चिंता नहीं है, वो चंदा वंदा जो भी लगेगा वो हम दे देंगे। तो आखिर कमाए क्यों इतना? पापा वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है, मैं आपको कल फोन करता हूँ। ठीक है, फोन पर बात कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता, बोलो। वो आपको बोला था ना मैं बिजनेस करने की सोच रहा हूँ पापा, वो बिजनेस सोच लिया मैंने, उसके लिए मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 50 लाख? पागल तो नहीं हो गए तुम? पापा अनिल बाद में बात कर लेते हैं। अरे ब्रजेश भैया बाद में नहीं, मुझे अभी बात करनी है। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मां, आप अंदर जाओ। आप नहीं मां, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। दिमाग ठीक नहीं है अभी? दिमाग मेरा एकदम ठीक है, मुझे मेरे पैसे चाहिए आज और अभी। ऐसे बात करेगा पापा से? ऐसे बात करेगा? अरे तुम तो ज्ञान मत ही दो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बिजनेस सेट है तुम्हारा, मेरे पास क्या है? हाँ हर वक्त मैं भीख मांगता रहता हूँ पैसे के लिए। ऐसा मत सोच, यहाँ पर जो कुछ भी है सब तुम्हारा भी तो है। नहीं है, मेरा नहीं है इस घर में कुछ भी। आप लोग मुझे मेरा हिस्सा दीजिए, बात खत्म। क्या कहा? हिस्सा?
गुस्सा चाहिए तुमको? अरे जिंदा हूं मैं अभी, यहां जो कुछ भी है ना अपनी मेहनत से कमाई है मैंने। इस घर में धूल तक की औकात नहीं है तुम्हारी। ये क्या बोल रहे हो? बोलो, तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है तो इतनी हिम्मत बढ़ गई इसकी? तो क्या गलत मांग लिया मैंने? क्या गलत मांग लिया मैंने? हाँ पागल हो गया, ऐसे बात करेगा? अरे हटो अनिल। तू मुझे है ये बताने आया कि तेरे बाप ने तुझे 50 लाख रुपए देने से मना कर दिया? तो तू चाहता है कि मैं तेरे घर जाके तेरे बाप और तेरे बीच में सुलह करवाऊं? देखो मैंने बहुत कोशिश की पैसे का इंतजाम करने की, अब पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा तो सृष्टि को कुछ बत... सृष्टि के साथ क्या करना है तो मैं डिसाइड करूंगा, समझा? खैर जो दिक्कत है उसका इलाज है मेरे पास। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मान ले कि तेरे बाप को कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? अरे मतलब तेरे बाप का एक्सीडेंट हो गया, मान ले किसी ने चाकू मार दिया उसे, किसी ने कत्ल कर दिया, उसका मर गया तेरा बाप। उसके बाद जो उसकी संपत्ति होगी वो तेरे और तेरे भाई के बीच में रहेगी ना। एक काम करता हूँ, मैं तेरे बाप को निपटा देता हूँ, तू 50 लाख रुपए ला के मुझे दे दे, फिर तू सृष्टि का और सृष्टि तेरी। नहीं अनिल, तुम ऐसा सोचना भी मत, पापा है वो तुम्हारे, मत करना ऐसा कुछ। तो फिर बीच में बोली है? तेरे को मना किया ना बीच में बोलने के लिए? आप सृष्टि को प्लीज। अबे इसी ने मुझे बताया था, इसी ने बताया कि तेरा बाप तेरे साथ कैसे पेश आता है। अब देख तेरे बाप की सांसें अगर बंद होंगी तभी तो तू सांस ले पाएगा। लेकिन मेरा बाप है वो। बाप नहीं है, श्राप है, वो श्राप है तेरे लिए। सोच एक बार, ठीक है? मैं निपटा दूंगा तेरे बाप। अनिल नहीं, सोचना भी मत। देखो मुझे कुछ भी हो जाए तुम इनकी बात में मत आना, बिल्कुल भी इनकी बात मत माना तुम। सृष्टि, तू इस सृष्टि से आज तक तेरी तबीयत। मैंने सोच लिया। सोच लिया? मैं भैया मार दूं। मार दूं तेरे बाप? लेकिन इसमें मेरा नाम तो नहीं आएगा ना? तेरा नाम क्यों आएगा? मैं मार रहा हूं ना तेरे बाप को। मैं भैया गुड, वेरी गुड, चल चल अब निकल। अबे इंतजाम कर, जाना नहीं है इसके साथ। कितनी जोर से बाल पकड़ता है तू? हाँ मेरी जान करती होगी, देख फील में निकल गया मेरी जान, दर्द तो नहीं हुआ? एक्टिंग कैसी लगी ये बता, लग रहा था खूंखार खूनी एकदम। इसलिए तुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया? अरे 25,000 में आदमी टपका देता हूँ मैं, यहाँ तो बात 50 लाख की थी। अब तू देख, अगर ये अपना प्लान कामयाब हो गया उसके बाद तू और मैं शादी भी कर लेंगे जाने मन। इसमें टेंशन क्या है? तुम्हें टेंशन बहुत देती है। तू बता वीडियो बनाया कि नहीं बनाया? कोई भी चालाकी थी तो ये वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर दूं। पापा पिपरिया पुल वाला काम शुरू हो गया है, अभी मैं साइट पे निकलने वाला हूँ। आप ये टेंशन मत लीजिए घर के मामलों में, आप चुनाव पर ध्यान दीजिए। पापा ये अनिल ने परसों जो कुछ भी किया ना वो अभी भी मेरे मन में चल रहा है, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ वो तो उसके भले के लिए ही करता हूँ ना। हाँ पापा मुझे पता है। वो जितना पैसा चाहे ना मैं देने को तैयार हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो काबिल बने। तू एक काम कर बेटा, तू जा उसे कह कि मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुझसे करता हूँ। मैं कहूँगा तो मानेगा नहीं, सोचेगा कि मैं पैसे ना देने के लिए बहाने बना रहा हूँ। पापा आप परेशान मत होइए, बच्चा है वो, मैं बात करता हूँ उससे, समझ जाएगा वो। मैं मार रहा हूँ ना तेरे बाप को, तेरा क्यों नाम आएगा? हाँ ने सृष्टि, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या हुआ सृष्टि को?
कल वो जो पापा को मारने का प्लान बना रहे थे वो ठीक नहीं है। अब मैं तो तुम्हें कल ही बोल रही थी ना, तुम्हारे पापा हैं वो, ऐसा करने का सोचना भी मत। मैं अभी आ रहा हूँ वहीं पे, मैं गणेश को समझाता हूँ, मैं बैठ के बात करता हूँ, ये नहीं कर सकते। हाँ ठीक है तुम आ जाओ, गणेश अभी घर पर नहीं है और ये सब बातें हम फोन पर नहीं कर सकते, तो तुम आ जाओ फिर उसके बाद हम साथ में मिलकर समझाते हैं उसे। ठीक। टेलीफोन विभाग से, आपके घर का टेलीफोन खराब है। हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं की सर, हमें भेजा गया है, अब आ गया हूं तो एक बार चेक कर लेता हूं। एक मिनट यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं। माँ। हाँ? सुमन नहा रही है, प्लीज एक कप चाय बना देना। हाँ, फोन तो चालू है। ब्रिजेश, ये क्या हो गया बेटा? सुनते हो? कौन हो तुम? क्या हुआ? अरे कौन हो तुम? कुछ बर्बाद हो गया बेटा। अरे Thank you.
ये भी है? किसी ने खून किया इन सबको। पापा उन्हें अस्पताल लेके गए, उनकी हालत काफी खराब थी। हिम्मत रख बेटा। सृष्टि बर्बाद हो गया। सृष्टि मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं, सृष्टि को बिल्कुल अकेला रह गया। देखो जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचते। पैसे लाए तो क्या बात कर रही हो सृष्टि तू? मैं बर्बाद हो गया, मेरा पूरा परिवार तुम्हारे लिए? मुझसे प्यार करती हो ना? हा? ये प्यार व्यार सब नाटक था, ढोंग था सब। पर हाँ, तुम्हारी वजह से ना मेरा गणेश मरा, उसकी भरपाई भी तुम्हें करनी पड़ेगी। पहले के 50 लाख और गणेश की भरपाई के 50 लाख, कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। सृष्टि कैसी बातें कर रही हो तुम? और अगर पुलिस मुझ तक पहुंची, मुझ तक पहुंचने में देर नहीं लगी, आया समझ? सृष्टि मेरी बात सुनो, सृष्टि मेरी बात तो सुनो। और ये बैग पैक करके तुम कहाँ जा रही हो सृष्टि? मैं भाग रही हूँ, गणेश का पता लगाते लगाते पुलिस कभी भी आ सकती है। और हाँ पैसे तैयार रखना, मैं फोन करूंगी। सृष्टि और अचानक देखा वो मेरे पत्नी पर हमला कर रहा था, तो मैं उसे रोकने गया तो उसने मुझे भी मार, बाद में छीना झपटी हुई। और कैलाश जी का बयान ले लिया हमने। वैसे इंस्पेक्टर साहब छानबीन कहां तक पहुंची? हमारी जानकारी के अनुसार जिस आदमी ने हमला किया था उसका नाम गणेश रंजन है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स कुछ ही देर में हमारे पास आ जाएंगे, इसके बाद हम उसके घर पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये मर्डर्स हुए हैं इसे यही साबित होता है कि इस शहर में पिछले कुछ महीनों में जो जुर्म हुए इसमें इसी आदमी का हाथ है। और हाँ, ये आदमी अकेला नहीं है, इस प्लान में उसके साथ कोई और भी है, और वो जो कोई भी है उसका जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। वहां कोने में देखो कुछ मिला ऊपर? नहीं सर। हाँ पांडे कुछ मिला क्या? नहीं सर कुछ भी नहीं। ये लड़की कौन है? सर ये लड़की तो वही जालसाज लड़की है जो लड़कों को फंसा कर चूना लगा रही थी, काफी समय से हमें घुमा रही है। कौन, ये गणेश की बीवी है? नहीं सर, पिछले एक दो केस में इसका नाम आया, जैसे चोरी डकैती, शायद गणेश की पार्टनर थी, ये कांड हुआ तो सब कुछ लेके भाग गई। ये लड़की का कहीं ना कहीं हाथ लग रहा है इस पूरे कांड में, ढूंढो उसे। ऐसे क्या मातम बना रहे हो? पैसे का इंतजाम हो गया? तो यहाँ क्या कर रही है?
मुझे लगा इस शहर में सबसे सुरक्षित घर मेरे लिए यही है। पुलिस यहाँ मुझे नहीं ढूंढेगी। निकल, घर से बाहर निकल। पैसे दे दो, निकल जाऊंगी। किस बात के पैसे? मेरे पूरे परिवार को मार दिया। मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है। निकल घर से बाहर, अभी के अभी निकल बाहर। मुझे पता था तुम ना अपना ही रंग दिखाओ। मार दो, मार दो तेरे बाप। मैंने सोच लिया, मार दो, तैयार हूँ। वीडियो देख लिया? अब जब तक पैसे का इंतजाम नहीं होता तब तक मैं यही वेट करूंगी। और हाँ, कोई होशियारी की ना तो पुलिस को ये वीडियो भेज दूंगी। सृष्टि, घर में इतने पैसे नहीं है और पापा हॉस्पिटल में। अगर मेरे पास इतना पैसा होता ना तो तेरे मुंह पे मार के घर से बाहर निकाल देता अब तक। तो बाप से साइन करवा ले ना चेक और बैंक से जाके निकाल ले। सिंपल। तुम पैसे पूरे है ना? तुमसे प्यार करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पापा सही कहते थे, मैं आवारा हूं, नकारा हूं। देखो मेरे पास टाइम नहीं है ये सब बातें करने का। बैग छोड़। गणेश, और तुमने तो कभी शादी भी नहीं की थी है ना? तुम्हें तो सब पता है। क्या है ये? क्या मजाक है ये? तुम्हें पता है ना पुलिस को सब बता दूंगी। जिंदगी भर जेल में काटनी पड़ेगी तुम्हें। मजाक तो तुमने किया है मेरी जिंदगी के साथ। जिस आदमी से मैं इतनी नफरत करता था ना, मेरे पापा, आज उन्होंने मुझे बताया है कि तेरे जैसी घटिया औरतों के जाल से कैसे निकला जाता है। पापा, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। पापा, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। पुलिस, पुलिस को सब पता। पकड़ो उसे, लेके जाओ पांडे। सृष्टि को कत्ल की साजिश, ब्लैकमेलिंग और अनिल को कत्ल की साजिश करने के जुर्म में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कैलाश जी की जान तो बच गई लेकिन देखा जाए तो उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के अपराधियों का जन्म कैसे होता है? गलत संगति की वजह से। परिवार का कोई भी नादान सदस्य गलत संगति में पड़कर अपने परिवार को नुकसान पहुंचाता है। देखा जाए तो एक समृद्ध परिवार का ढांचा आजकल की इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं बिखर कर रह गया है। जरूरत है कि हम अपने परिवार के हर सदस्य को तवज्जो दें, उनकी समस्याओं को समझें और आपस में बैठकर एक मजबूत दायरा बनाएं, जिसके चलते कोई भी नादान सदस्य बाहर वाले से ज्यादा अपने परिवार पर भरोसा करे, ताकि परिवार बचा रहे। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।